एक पेशेंट है मेरे पास जिनका नाम है एजाज अहमद और इनकी एज है 43। ये 20 दिन हमारे पास 20 दिन पहले हमारे पास आए थे और इनको तकलीफ थी बिस्तर पर पेशाब होने की। बिस्तर पर पेशाब होना यूनानी में बॉल फिल फराश कहलाता है। ये तकलीफ आमतौर से बच्चों को होती है लेकिन कभी कभार बड़ों को भी ये तकलीफ हो जाती है और ऐसा ही इनके साथ हुआ। पिछले 10 साल से इनको बिस्तर पर पेशाब हो रहा था। लास्ट में ये डॉक्टर अयूब के पास गए, एक यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी, उनका अच्छा सेटअप है, अच्छी प्रैक्टिस उनकी है। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि ये तकलीफ एलोपैथी से नहीं जा पाएगी, इसके लिए हमें यूनानी मेडिसिन देना चाहिए, तो इनको अलहकीम यूनानी मेडिकल सेंटर भेजा। और जब ये हमारे पास आए तो इनकी पूरी कंडीशन मैंने देखा और कुछ दवा मैंने इनको तजवीज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन हुआ दवा खाते हुए और इस वक्त ये 100% बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने बताया कि पिछले 15 दिन से एक बार भी हमें बिस्तर पर पेशाब नहीं हुआ है। पहले आमतौर से एक हफ्ते के अंदर कम से कम 5 बार 6 बार तो बिस्तर पर पेशाब हो ही जाता था, लेकिन पिछले 15 दिन से एक बार भी बिस्तर पर पेशाब नहीं हुआ है। मैं इन्हीं से पूछता हूं कि दवा 20 दिन आप खाए हैं, इससे क्या फायदा हुआ है? तो ये दवा खाते हुए 20 दिन हो गए, जो भी तकलीफ आपने बताया था कि पिछले 10 साल से मुझे बिस्तर पर पेशाब होता है, उस तकलीफ में आपको कितना आराम हुआ है? 100% हुआ है। 100% हुआ पिछले 15 दिन से। हाँ, एक बार भी बिस्तर पर पेशाब नहीं। रात में पानी पानी नहीं, पहले पीता था पानी, अब पीता हूँ रात में तो भी नहीं होती। अगर सोते समय पेशाब करने जाता हूँ तो भी नहीं होता। पहले ये बता रहे थे कि पहले कुछ एहतियात करते थे कि पानी शाम होते ही पानी पीना बंद कर देते थे और सोने के टाइम पेशाब करके सोते थे, तब किसी दिन गायब हो जाता था कि पेशाब नहीं होता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बेएहतियाती हुई, शाम को पानी पिया या सोने के टाइम पे पेशाब करके नहीं सोए, तो पेशाब उनको हो जाती थी। लेकिन अब जब दवा ये खाए हैं 20 दिन हुआ है, तो इन्होंने बताया कि अब मैं सोने तक पानी पीता हूँ या सोने के टाइम पेशाब करना कभी भूल गया नहीं किया, इसके बावजूद पेशाब इनको बिस्तर पर नहीं होता है। इसके लिए आपने इलाज किया होगा बहुत सारी जगहों पे, किया था ना, डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर के पास गया था, हकीम डॉक्टर के अंदर ही दवा भी खाया था, अंग्रेजी दवा भी खाए थे और हकीमी दवा भी खाए थे, दवा खाया था, लेकिन फायदा कहीं से आपको नहीं हो रहा नहीं, था। नहीं बोल रहा था। अच्छा, जब हमने दवा दिया आपको, दवा आपने 20 दिन खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो ठीक गए। हो गया। अच्छा, हमारा मकसद लोगों को ये बताना है कि जिनको इस जैसी तकलीफ है उनको यूनानी मेडिसिन लेना चाहिए और इस जैसी तकलीफ यूनानी दवाओं से बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। आपने देखा कि जो तकलीफ 10 साल से थी वो सिर्फ 20 दिन की दवा से ये तकलीफ 100% खत्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।